हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ आपकी संजुआ। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो को हमारे जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उनसे पैर छू के प्रणाम कर रही हूँ कि आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखना और वीडियो को फुल वॉच कर देखना, वीडियो बने रहेगा। और आइए हम लोग कुछ बातें करते हैं। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, नहीं बंद होगी दोस्तों। ये जो कुतिया कुत्तवा है ना, एक न एक चमचे को लेकर सारी सोशल मीडिया को गंदा कर रहे हैं। हर यूरंडी जो है ना, एक एक तो तालाब में एक मछली गंदा होती है ना, तो सारे तालाब का पानी गंदा होता है। तो इसमें एक ही है, बताओ। कोई कलाकार अगर मेहनत कर रहा है तो उसके चैनल पे स्ट्राइक नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे कुत्ते पड़े हैं ना, अगर किसी की चैनल पे स्ट्राइक लग गया, आप कोई बात हो, देखो ये चैनल है और इसमें बहुत से मतलब एप्सन आते जाते रहते हैं, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत से लोग हैं खुश होते हैं। अब देखो, मैंने अभी एक वीडियो देखा कल, अभी 2-3 दिन का वो वीडियो है जैसे, तो चंदा भौजी की चैनल पे स्ट्राइक लग गया। वो कौन कुत्ता जो आखिर पीटा ना, बीच गली बीच समाज में मार खाया, तो दिमाग खुल गया। और जिसके कहने से स्ट्राइक मारा था ना, वो सबको पता है। तो मैं यही कह रही हूँ, अपने को ज्यादा जो शेर बनता है ना, वो बहुत खड्डे में गिरता है, बहुत खड्डे में गिरता है। समीर चौधरी ने इतना धोया, इतना गंदी गंदी गाली दिया, गंदा गाने पे गाना उसका वायरल हो गया, जब भी नहीं दिमाग खुला, अभी हंसी आ रही है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। तो कोई कैसा भी कलाकार हो, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने अंदर यही सोचती हूँ कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो अपने दम पे कर रहा है, अपने बल पे कर रहा है, ना कि किसी के कहने से, ना कि किसी का हुनर छीन रहा है। लेकिन ऐसे आप सब करवा तो जो पीछे पीछे के यूट्यूबर हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो कैसे जाएंगे उस मंजिल पर, बताइए। आप ही लोग बताइए। तो आप सब सुधर जाएं, ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैलाने की जरूरत ना। बहुत कंट्रोवर्सी फैला के एक दूसरे का परिवार उजड़ गया। आप लोग को खुशी मना रहे हैं। हम तो तब भी कह रहे थे, अब भी कह रहे थे, एक दिन का रोना धोना था। अब कोई नहीं युवराज को देखने जा रहा है, कोई नहीं किसी के सपोर्ट में जा रहा है, और कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। एक धंधा बिजनेस हो गया है, ये यूट्यूबरों का, कलाकारों का धंधा बिजनेस हो रहा है। अब लोग तो यूट्यूब का धजिया उड़ा के रख दिए हैं, न कि समाज में जीने लायक हो। और वो तुम लोग सोचते हो कि हम पब्लिक के नज़र में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले अपने अंदर झांक के तो देखो। वैसे छोटे यूट्यूबर जो अच्छे कलाकार हैं, वो ज़्यादा मिलियन नहीं रहना चाहते हैं कि हम दौड़ के मिलियन में हो जाएं। मिलियन में जाने का राज होता है, उल्टा सीधा वीडियो बना के मिलियन में सब्सक्राइबर ला के नाम करेंगे कि हमारा इतना सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है। जब अच्छी कलाकारी, अच्छा हुनर दिखाओगे, जब हमारी पब्लिक हमारा सपोर्ट करेगी और प्रशंसा करेगी। जो गंदी गंदी रंडिया वीडियो बना बना के मिलियन में सब्सक्राइबर लेके चल रही हैं, वो आज बोलने लायक हो गई हैं, माइक पकड़ के गा रही हैं। माइक पकड़ने का ढंग नहीं है, स्टेज पे चढ़ने का ढंग नहीं है, वो आज यूट्यूबर बन गई हैं। शर्म नहीं लगता है तुम लोग को? कितना तुम लोग को, जो अच्छे अच्छे हमारे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे भैया हैं, अच्छे अच्छे सिस्टर लोग हैं, आप लोग को इतना गाली के माध्यम से इतना समझाते हैं, लेकिन आप लोग को शर्म नहीं लगती है? आप लोग इतना कंट्रोवर्सी, एक एक दूसरे के पीछे लगने से क्या फ़ायदा है? जो महिला का, एक महिला का अगर वो दहाड़ के कहती हैं कि मैं शेरनी हूँ, मैं एक महिला का मदद करती हूँ, एक महिला वो भी है जिसको तुम गाली दिलवा रही हो, अगर महिला जान के सपोर्ट करती तो ये सब नतीजा आता नहीं। अगर हम जैसे महिला का
सपोर्ट करती, तुम भी महिला हम भी महिला, लेडीज लेडीज का दर्द नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, मर्द से ज्यादा तो लेडीज दर्द जानती है, एक लेडीज का दर्द। लेकिन आज के तौर पे लेडीज का दर्द बूझते बूझते मालती का परिवार उजड़ गया, कोई दर्द उसका समझ नहीं पाया। वो गिड़गिड़ा के कह रही थी, चिल्ला के कह रही थी कि मेरा दर्द कोई सुनने वाला हो, नहीं कोई नहीं सुना। आज उसका परिवार खत्म हो गया, उसके परिवार में कुछ नहीं बचा है, बस युवराज बचा है। युवराज की जिंदगी झंड हो गई दोस्तों। अगर जो बच्चा दूध पीने वाला अपने माँ का साया अपने उठ गया उसके सर से, अपने माँ का प्यार नहीं पाया, वो बच्चा हर समय रोता रहेगा। वो तो भगवान की मंजिल है, जब वो अपने हाथ पैर से होगा उसके किस्मत में क्या होगा वो कोई जानता नहीं है। लेकिन इतने चमचे हो गए हैं, इतने चमचे, चमचे नहीं चाहा तो उनका परिवार उजाड़ दिया, और वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, उसका सजा कौन भोग रहा है? विष्णु राज भोग रहा है। वो भी तो ऐसे था जो कुत्तों की बात सुन के उलझन में पड़ के अपना परिवार उजाड़ दिया। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों, किसी का सुनना चाह रहे, अपने पीछे चमचे मत रखो, चमचे रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम जो कुछ करेंगे अपने बल पे करेंगे, हम क्यों चमचे के पीछे जाएं? यहाँ तो मिलियन में सब्सक्राइबर लेके 18 को पीछे चमचे डोलती हैं। मैं बलवान, अरे अपने दम पे करो, अपने हिम्मत पे करो, अपने तौर पे करो कि हम हिम्मत साहसवान है, हम शेरनी है, हम शेर हैं। जब सब शेरनी शेर बनेगा तो गीदड़ कौन बनेगा, सुअर कौन बनेगा? अपने आप को सब शेर बनता है। आज चमचे के पीछे जो 18 को चमचा पीछे पीछे लेके तुम लोग घूमती हो ना, उसी के पीछे शेर और शेरनी बन रही हो। चलो दोस्तों ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। हमारा ब्लॉग बड़ा हो रहा है, और आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखना।